Really अब बी ए बी कॉम बी एस सी और एम ए एम कॉम करे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से सोल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डी ए वी कॉलेज गेट के सामने सिवान नमस्कार आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन हमारी टीम पहुंची हुई है सीवान जिले के जीरादेई प्रखंड के चांदपाली पंचायत में और आप देख सकते हैं कि चांदपाली पंचायत का जो यहां के मुखिया उम्मीदवार हैं वर्तमान में मुखिया भी रह चुके हैं बलिंदर सिंह भाई बलिंदर सिंह इनका चुनावी दौरा चल रहा है तमाम इनके साथ युवाओं की और बुजुर्गों की टीम इनके साथ है और एक टीम के तहत ये पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं लगातार आपको बताते चले कि हैट्रिक मारने के बाद से चौथी बार चुनाव जीतने के मूड में एक बार फिर से हैं और लगातार इनको यहाँ की जनता का अपार जन समर्थन भी मिल रहा है तो एक बार फिर से हम आपको बताते चले कि बारह तारीख को जीरादेई प्रखंड और दरौली का चुनाव होने वाला है जिसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां की जा चुकी है प्रत्याशी अपने अपने जीत के लिए तमाम एरी चोटी एक किए हुए हैं लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और इसी क्रम में बलिंदर सिंह जो कि

मैने अब देखा जाता है कि मैंने जो काम किए हैं बहुत सही किए हैं आ इनसे बढ़िया कोई उम्मीदवार है नहीं इनसे अच्छा उम्मीदवार नहीं है नहीं है क्या कारण है कि इनसे अच्छा उम्मीदवार नहीं उम्मीदवार तो बहुत सारे चुनावी मैदान में है सभी लोग अपने अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं लेकिन बलिंदर सिंह में क्या खूबी है कि तीन बार लोगों ने इन्हें चुन करके मुखिया बनाया और चौथी बार फिर से ये आ, मुखिया बनने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं गरीब अमीर के सबको मिला कर चल रहे हैं इसीलिए सब लोग साथ है सबको साथ लेकर चलते हैं चलते हैं यहाँ की जनता बिल्कुल फिर से चौथी बार इन मुखिया हाँ चौथा बार भी तैयार है विश्वास हाँ, है की विश्वास तो जो ये वादे करेंगे वो वादे पर आ, वादा ही किया है कि इस बार भी विजयी हो गए अपना नाम बता दीजिए रामदयाल गोड़ रामदयाल गोड़िया इसी पंचायत ग्राम हाँ भरथुए और भी बहुत सारे लोग मौजूद है यहाँ पे एक एक करके पाँच छह लोगो ऐसी हम बातचीत करेंगे आप बताइए क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले अपना नाम बताइए मंटू कुमार मिश्रा नाम है अच्छा मिश्रा जी आप बताइए कि कैसा चल रहा है यहाँ पे देखा जा रहा है कि युवा भी है बुजुर्ग भी है सभी लोग और सबसे बड़ी बात है कि छोटे बड़े सभी धर्म के लोग इनके साथ सभी जाति के लोग दिखाई दे रहे हैं क्या कहना चाहेंगे ये सभी के साथ एक समान व्यवहार करते हैं इसलिए सभी लोग साथ में है सभी लोग साथ में है और चौथी बार फिर से ये चुनाव जीतते हैं हंड्रेड इसमें कोई दो राय नहीं है अभी यहाँ पे हम लोग जो मौजूद हैं यहाँ पे खड़े हैं एक बार हम चाहेंगे थोड़ा कैमरा मैन से दिखाएं देखिए ये पो, पोखरा है पोखरे का जो सौंदरण कराया गया वाकई में इस पोखरे को देख करके और भी पंचायत के मुखिया को सीख लेनी चाहिए एक साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है और घाट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कलर गिरुआ जो कलर होता है आ, उसकी रंगाई की गई है और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से इस पोखरे की सौंदीकरण की गई है चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं जन जीवन हरियाली के तहत जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और

जी ने आपके पंचायत में काम किया है जो चांदपाली पंचायत में जो काम होना चाहिए वो अच्छे तरीके से क्योंकि पंद्रह साल ये रह चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग तो पूछेंगे कि आपने क्या किया है तो आप संतुष्ट हैं जी बिल्कुल संतुष्ट हैं संतुष्ट है क्या क्या ये किए है लगभग पंचायत लगभग आपके सामने ही है जो भी है घाट हो स्कूल हो बैठने के लिए बेंच हो रोड हो मंदिर जो दिखाई दे रहा है चाहे हर तरह जो भी काम आता है इनके समक्ष वो काम को पूरा कुछ ये समक्षा कुछ्रेड परसेंट किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए तैयार रहते हैं जीत है और इनका कहना है कि सभी तरह के जो भी कार्य होते हैं बिल्कुल ये खड़े रहते हैं यहाँ से गांव के एक और चाचा हमारे साथ मौजूद है इनसे हम बात करें ठीक है बैठे रहिए कोई दिक्कत नहीं है बताइए चाचा की इस बार चौथी बार मुखिया बनने के लिए आप लोगों के बीच में जा रहे हैं बलिंदर सिंह और बहुत सारे उम्मीदवार भी हैं तो आखिर क्या कारण है कि लगातार तीन बार से आप लोगों ने चुना है और चौथे बार क्या होगा हर जगह काम का प्रशंसा हमारा नाम पारसनाथ सिंह है हर जगह काम का प्रशंसा होता है तीन बार जो लगातार जीते हैं काम के ऊपर ही तो जीते हैं और इसी से ये फेमस पाँच दस कोस के आदमी बड़े बड़े आदमी समझते हैं हाँ बलेंद्र सिंह के जैसा काम करने वाला कोई मुखिया अभी तक इस क्षेत्र में पाँच कोस के एरिया में कोई नहीं और आगे भी यही जान करके जनता जो है इनको हमेशा के लिए तत्पर रहता है जित खड़ा करने के लिए जनता ही कर इनको उतना च्वाइस नहीं लेकिन हमारे जैसा आदमी धक्का दे करके इनको खड़ा किया है और इनके काम के ऊपर सारा जनता बहुत जगह देखा जाता है चाचा कि मुखिया बनने के बाद या फिर जनप्रतिनिधि अगर कोई व्यक्ति बन जाता है तो सबसे पहले पहले वो अपना विकास करते हैं लग्जरी गाड़ी हो फर्स्ट क्लास आलिशान मकान हो तो क्या बलिंदर सिंह ने क्या कुछ किया बलिंदर सिंह के अंदर ये भावना नहीं अपनापन का भावना बिल्कुल नहीं है जो भी है जनता के सेवा में लगे रहते हैं जनता के सेवा में जी हाँ अपना कुछ नहीं किए सब कुछ जनता के लिए निछाड़ कर जन, जन, जनता पर निछावर कर दिए है तो फिर से एक बार क्या माना जाएगी चौथी बार भी जनता इनको सेहरा बांध देगी इस बार हम लोगों का उम्मीद है की इस बार चौथा बार है तो इस बार भी बाजी मारेंगे इस बार भी बाजी मारेंगे जी हाँ तो इस बार का क्या रहेगा आप तो बहुत बुजुर्ग हैं बहुत कुछ आपको आकलन भी होगा इस बार का जीत का आंकड़ा क्या हो सकता है जी इस बार तो हमको अच्छा उम्मीद है कि पिछले साल से भी बढ़िया इस बार पोजीशन होगा पिछले साल से अच्छा चौथी बार अगर बनेंगे तो जाहिर सी बात है एक रिकॉर्डेड जीत मानी जी हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल और प्रार्थना है सब भाइयों को इस बार भी वो सही जीत हो जैसे पहले बार इस बार तो रिकॉर्ड बीट हो जाएगा जी हाँ बिल्कुल आपने देखा कि गांव के रहने वाले एक चाचा है इनका कहना है कि इस बार रिकॉर्ड बीट होगा और जाहिर सी बात है कि तीन बार मुखिया लोगों ने बनाया यहां पर चौथी बार फिर से ये एक बार जनता के बीच जा रहे हैं मुखिया बनने के लिए जाहिर सी बात है कि अगर कुछ अच्छा हुआ होगा तो ही लोगों ने तीन बार चुना और इस बार क्या कुछ फैसला होगा बारह तारीख को यह तो खैर उस दिन जब मतदान होगा और ईवीएम में जनता के एक एक मत जब बंद होंगे तो पता चलेगा चौदह तारीख को कि चांदपाली पंचायत का जो मुखिया होगा वो कौन होता है बहुत सारे और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर थोड़ा सा उन लोग से ही बात कर लें

लो जानी लोग द्वार द्वार पर काम उम करे खातिर तो यहाँ के कर लेवे नहीं कि दौरावे नहीं ना जाते जाते खोली ले जाते जाते कर लेवे नहीं वाला कोनो सिस्टम नहीं है ना कभी भी दुख सुख में कभी खड़ा हो रही वहां के रहे नहीं शादी ओदी होके या मरनी जी नहीं कभी भी केहू के दुख या सुख हो के हां मरनी जी आगे यहां के दौड़ी ले बता दी पतरंगा राम चलिए पतरंगा राम जी है इसी पंचायत के चांदपाली पंचायत के रहने वाले है और भी दो चार लोग मौजूद है इनसे बात करेंगे आप बताइए क्या कहना चाहते हैं अरे इस बार भी मुखिया जी जीतेंगे आ, हर क्षेत्र में विकास किए हैं काम किए हैं एक सामाजिक आदमी है आज समाज में कहीं भी कोई भी काम होता तो पहुंच जाते हैं अच्छा काम हो बुरा काम हो अपना इस समय देते हैं आज बहुत विकास किए हैं पंचायत का हर रोड में रोड बना है गली बना है हर पंचायत बना है आज जल नल भी इस पंचायत में बहुत अच्छा से सक्रिय है बहुत अच्छा चल रहा है आप पंद्रह साल से ही मुखिया है अच्छा काम कर रहे हैं पंद्रह साल जीत जि, जि, जीते तीन बार लगातार ये रह चुका है त्रिक मार दिए हैं आ इस बार भी जीतना है क्लियर है कि जीत निश्चित है पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जनता इस बार आश्वस्त है पूरा जनता एकदम कहती है कि मुखिया जी का व्यवहार अच्छा है बिहेवियर अच्छा है सब को इसी को इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा देते हैं हर अच्छा काम बुरा काम में हम लोग को सहयोग देते हैं यदि कोई बारह बजे इनके पास फोन कर दे मुखिया जी समस्या आए तो तुरंत ही अकेले सिंगल मोटर सा, सा, साइकिल वहाँ पर पहुँच जाएंगे और उस आदमी की समस्या को समाधान करेंगे लेकिन इस बार का जो रिजल्ट आ रहा है कई जगहों पे देखा जा रहा है कि बदलाव की बिहार बह रही है क्या लग रहा है आपको कि जो जमीन से अगर जुड़े लोग नहीं होंगे तो वहाँ तो बदलाव हुआ ही होगा तो मुखिया जी की क्या स्थिति है क्या जमीन से जुड़े लोग हैं जमीनी बहुत सारे लोग हैं कि जीतने के बाद से जनता को भूल जाते हैं ना यही तो वजह है कि हे तिर मार चुके हैं जो मान लीजिए मुखिया पाँच वर्ष जीते और उनको कोई पंचायत से मतलब नहीं है इधर उधर घूम रहे हैं जो भी अपना नजायज उपयोग पैसा का कर रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं रिकॉर्ड दिखा रहे हैं तो जनता या इतना बुर्बक थोड़ा है सब समझती है कौन मुखिया कैसे हैं क्या करते हैं नहीं करते हैं तो इनका तो संपर्क है पंचायत से लगाव है ए हर आदमी से लगाव है संपर्क है या अच्छा काम करते इसलिए जनता इस बार भी उम्मीद है कि इनको चौथी बार जनता की हाँ, हाँ 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 इस बार भी उम्मीद है कि जनता इनको चुनेगी भारी से भारी मतों से इनको नाम बता दीजिए राज नारायण सिंह राजनारायण सिंह है और ये लोग भी इसी पंचायत के हैं और भी कुछ लोग मौजूद हैं अब बताइए चीज़ा कि क्या स्थिति इस, इस बार रहेगी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई आपने भी सुना होगा तो बहुत अच्छा रहेगी स्थिति बहुत अच्छा रहेगी हर एक तरह से कोई भेदभाव भेदभाव नहीं करते हैं जो भी आता है उसको सम्मान देते हैं सही काम करते हैं सबका काम समय पर होता है किस तरह का उसमें दिक्कत नहीं है इसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है मतलब सब का काम का। हाँ सबका काम करते हैं नल जल जो ना का बहुत अच्छा ढंग से काम हुआ है और कराए हैं अच्छा से कराए हाँ आप बताइए क्या कहना चाहेंगे हम कहना चाहते हैं कि जो पंद्रह वर्ष जीते हैं कुछ गुणे से जीते हैं आज तक इस पोखरा का सोलह वर्ष पहले गड्ढा था दुनिया का जंगल था मुखिया जी जब से हुए हैं पूरा पंचायत का पोखरा को स्वर्ग बना दिए हैं। तो अलग बात है और इनमें भेदभाव नहीं रहता है बारह बजे रात में जाएंगे तो तैयार हैं। आज तक इनके पास एगो मोटरसाइकिल से चार चाका नहीं हुआ है बहुत सारे मुखिया जितने के बाद से आलिशान मकान अलग जड़ी हाँ लेकिन इनका ही नहीं है जनता का सेवा करने के लिए तो मोटरसाइकिल का बाद कुछ कर किए नहीं है तो इसलिए से नहीं होगा मुखिया जी का विजय का डंका है डंका बजेगा एकदम बाज गया है कि हाँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग जी सुनिए पटना जब असेंबली में चार गो कुत्ता बैठे रहते है तो देहात है ये तो दस गो कुत्ता यहाँ घूमेंगे उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना ना बलविंदर सिंह को कोई नहीं रोके ना ना कोई नहीं रोक सकता है पिछले बार सुन रहे हैं कि 400 कुछ और से जीते थे इस बार क्या हो। ए सर छो सात सौ से जीतेंगे हाँ उससे ज्यादा से हाँ डेढ़ा वोट से आगे जाएंगे हाँ देख रहे हैं रोड बच्चा लोग यहाँ स्कूल मंजूर करा कर बनवाए हैं यहाँ से बच्चा लोग तीन किलोमीटर दौड़ जाड़े में जाते हैं अब इस गांव का लोग बच्चा लोग धुरे पाँच मिनट में पहुंच जाते हैं इससे अच्छा क्या होता है बच्चों का जीवन बन गया मतलब काम काम हुआ है जो बहुत किए हैं बहुत काम सीमा का बाहर किए हैं। चलिए आप बताइए क्या कहना चाहेंगे हम तो यही कहना चाहेंगे कि चौथी बार भी बलिंदर सिंह मुखिया हो हाँ। के बाद भी चौथी बार जीत होगा क्योंकि नल जल हर गाँव में पानी पीने का सही तरीका नहाने का सही तरीका हर नल गांव में सौ सौ से अधिक है सबको टाइम से पानी मिलता है आता है पानी या पंचायत में बीमारी भी कम है उस पानी पीने से क्योंकि वो तीन सौ साठ फीट कितना फीट का पानी है आ रहा है इसलिए बीमार कम ही पड़ते हैं कोरोना चला था फिर भी कोरोना में भी मुखिया जी सब लोग को एक्टिव किए इस कोरोना में एक आदमी ही बाहर में गुजरे इस पंचायत अब बलिंदर जी से हम बात कर ले कि बलिंदर जी यहाँ पे मौजूद है बहुत सारे लोग थोड़ा सा यहाँ आ जाइए बलिंदर जी भी हैं बलिंदर जी से बात कर ले बलिंदर जी ये बताइए की यहाँ यहाँ जाइए थोड़ा सा आगे की तरफ धूप थोड़ा सा लाइट का ये हो रहा है आज यहाँ आ जाइए लोग बलिंदर जी ये बताइए कि यहाँ तो हम लोग जहाँ पे मौजूद है ये तो बहुत अच्छा खूबसूरत आपने बनाया हुआ है क्या कुछ आपने किया है पंद्रह साल का वक्त जनता ने आपको दिया पंद्रह साल का वक्त कम नहीं होता है पंद्रह साल की अगर बात कर ले तो क्या कुछ आपने किया है ये तो देखिए जो सरकार का नियम है उसके अनुसार जैसे वृद्धा पेंशन हुआ विधवा पेंशन हुआ सड़क हुआ गली नाली हुआ जैसे योजना है पानी का पहले ले लीजिए हमारे पंचायत में ग्यारह वार्ड है सब वार्ड में पानी चलता है कोई दिक्कत नहीं है सब चार सौ पौने चार सौ पर बोरिंग वाला है और सब पानी चलता है सड़क है, है सब जहां सड़क है सब बन गया है जो आवास मिलना चाहे वो मिला है जो सरकार से आता है वो धरातल पर काम करते हैं आ सब कोई एक समान इज्जत देते हैं वो गरीब हो या अमीर हो सब कुर्सी पर बैठते हैं आ कोई काम के लिए आता है तो लौटता नहीं है उसको काम कर कर दस बजे तक प्रत्येक दिन द्वार पर रहते हैं इसके बाद कोई ऑफिस में चाहे जहाँ जाना होगा वहाँ जाते हैं सब लोग का इज्जत करते हैं मान सम्मान देते हैं हमारा भी मान सम्मान मिलता है मतलब किसी को ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ता ना ना नहीं दौड़ना पड़ता है हमारे पंचायत में जाकर आप सर्वे कीजिए किसी से पूछिए कोई हमको गलत नहीं कहेगा जो सरकार का नियम है नियम के अनुसार काम करते हैं जी, जी जी अच्छा तो इस बार अब क्या होने जा रहा है तीन बार तो आप रह चुके हैं चौथी बार बाजी मारने की फिर से मूड में लगे हुए हैं प्रत्याशी कई हैं यहाँ से अब बहुत लोग चाह रहे हैं कि इस बार बलिंदर सिंह ना जीते हम जीते तो क्या लग रहा है इस बार बलिंदर सिंह की कैसी तैयारी है क्या कुछ इस बार आपने सोचा है सब देखिए जनता से जाकर पूछे जनता वोट देगी तब तो ना हम ना जीते गए तो जनता सब हमारे साथ है और कही कि मुखिया जी फिर खड़ा हुई है आप मुखिया बनिएगा हम लोग बनाएंगे एकदम निश्चित अच्छे, अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं यह अभी आपको मिडिल स्कूल है माध्यमिक विद्यालय है तो आ, क्या इस, इसके बारे में कुछ आपने सोचा है कि कुछ कुछ इसको और आगे बढ़ाया जाए हालांकि बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था आपने कराया है यहाँ पे बैठने के लिए भी व्यवस्था है सब कुछ है तो कुछ इसे ऊपर ले जाने के लिए कुछ इससे हायर कुछ विद्यालय जी हाँ एकदम सोचे हैं हाई स्कूल हो जाएगा और हमारे पंचायत में पंचायत भवन नहीं है उसके लिए चांदपाली में जगह है और हॉस्पिटल के लिए चांदपाली जमीन है उसमें हॉस्पिटल बनेगा और जो बाकी बचा काम है सब पूरा होगा सब पूरा हाँ हर एक साइड में जी जी अच्छा अपने यहाँ ये जो पेड़ जो लगवाए कितना यूनिट पेड़ एक करीब पच्चीस बीस पच्चीस यूनिट लगाए हैं पेड़ हाँ हाँ लगाए हैं हाँ और भी क्या क्या आपने कराया जैसे मनरेगा के तहत बहुत सारे काम होते हैं पोखरे के सौंदर्यकरण तो हो ही गए इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं उसके बाद विधा पेंशन हो गए कई योजना है महत्वपूर्ण सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है क्या कुछ आपने कराया जैसे कि अगर सोलह से इक्कीस की हम बात कर रहे जैसे वहाँ चांदपाली एक सीपू टोला है वहाँ पोखरा में काम लगाए हैं एक ठो भरथुआ पूर्व के महावीर मंदिर है वहाँ भी पोखरा खोना गया है और दोनों में घाट पास है जब पानी होगा ख़त्म होगा तो उसमें घाट बन जाएगा और जो बाकी काम है वो सब पूरा होगा पूरा हो साइड में हो जी जी आगे आपने क्या सोचा है जनता ने अगर आपको मौका दे दिया तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या देंगे पंचायत में सबसे पहले प्राथमिकता देंगे कि फील्ड बनाना है लड़कों के टहलने के लिए खेलने के लिए उसको फील्ड को बनाना है पंचायत सरकार भवन बनाना है हॉस्पिटल बनाना है एकदम निश्चित और एम्बुलेंस की भी कुछ व्यवस्था के बारे में ये सोचे हुए हैं की एम्बुलेंस का भी व्यवस्था करेंगे कोई परेशानी न हो जा रहे हैं इस बार लोगों के बीच जनता के बीच जा रहे हैं और इस बार भी आप चुनाव जीतने के लिए लोगों से आग्रह कर रहे हैं तो लोगों का कैसा सपोर्ट मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है लोग क्या क्या लो कहते हैं कि मुखिया जी आप सब लोगों काम करते हैं हम भी आप लोगों के आपके साथ हैं और फिर आपको हम लोग जिताएंगे एकदम निश्चित हाँ आप पिछले बार कई लोग चुनाव लड़े हुए थे फिर से वो आपके सामने एक बार फिर से है तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कितना टफ लड़ाई होगा इस कोई विशेष टफ तो लड़ाई कोई नहीं है जी कि किस से हमको लड़ना है किसी तरह हमारे पांच सात वोट से हम जीतेंगे सात सौ वोट से जीतेंगे पिछले बार से भी ज्यादा से ज्यादा वोट से जीतेंगे कारण रहेगा कि ज्यादा से आप जीतेंगे सब लोग कहते हैं जो घूम कर कहते हैं ना मुखिया जी हम आप लोगों को वोट आपको वोट देंगे और उससे ज्यादा वोट से हम लोग जीताएंगे आज आस... सही जगह मुखिया ये देखा जा रहा है आपके अगर बगल के प्रखंड की हम बात कर ले मैरुआ में देख लीजिए या फिर नौतन में देख लीजिए तो बिल्कुल एक बदलाव की बेहार सी चली हुई है आपको क्या लग रहा है इस पंचायत देखिए इस पंचायत में जो टाइम से काम नहीं करेंगे मुखिया बन जाएंगे और द्वार पर नहीं रहेंगे किसी का काम नहीं करेंगे तो बदलाव होगा हम धरातल से जुटे हुए हैं किसी से जाकर हमसे जुड़कर कहाँ किसी कोई टोला में या गांव राजस्व ग्राम में जाइए हमारे विषय में पूछिए वो लोग अच्छे कहेंगे विकास हो या कोई व्यवहार हो या जो भी समस्या हो सबका निदान करते हैं लास्ट में अंतिम में क्या कहना चाहेंगे कौन सा आपका चुनाव चिन्ह है और लोगों से पंचायत की जनता से क्या अपील होगी गया देखिए हमारा चुनाव चिन्ह है मोतियों का माला जो एक नंबर पर है उस पर बटन दबाकर और हमको भारी से भारी मतों से जीताइए यही जनता से कहते हैं धन्यवाद बिल्कुल आपने देखा कि भाई बलिंदर सिंह जो कि चांदपाली पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं लगातार तीन बार और चौथी बार इस बार चुनाव जीतने के मूड में है देखना होगा कि इस पंचायत की जनता आने वाले बारह तारीख को किसे मतदान देकर के और आने वाले समय में मुखिया बनाती है लेकिन जिस तरीके से लगातार कई लोगों से बातचीत हुई है चाहे वो किसी भी जाति के लोग हैं उनका तौर तो पर कहना है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर सिंह ने लोगों का काम किया है तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है कि अगर जमीन से जुड़े जो लोग होंगे तो जनता तो उनको साथ देगी देखना होगा कि इस पंचायत का नया मुखिया कौन होता है हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार एटीएन लाइव चांदपाली पंचायत जीरादेही सिवान सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट द ग्रोसरी हाइपर मार्केट जहाँ एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की आज ही चले और जमकर खरीदारी करे वी मार्ट महादेवा रोड सिवान तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वे गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी भटको चाहे जहाँ काम होगा सिर्फ यहाँ ग्रह कलेश कर्ज मुक्ति प्रेम विवाह जादू टोना पति पत्नी में अनबन सौतन या दुश्मन से छुटकारा विदेश यात्रा में रुकावट फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली घर बैठे पाए समाधान अभी कॉल करें एट डबल फोर एट टू डबल सेवन नाइन जीरो थ्री